नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुद्ध पर्यावरण और अपग्रेड शहर के निर्माण की संकल्पना के चलते 10 नई ई बसेस का अनावरण नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी के हाथों संपन्न हुआ। इस समय बड़ी मात्रा में मनपा के कर्मचारी उपस्थित थे। डीजल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील ईंधन द्वारा काफी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, जिसके कारण पर्यावरण का बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ महानगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई आपली बसेस में समय के चलते काफी मात्रा में खराबी पाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए मनपा द्वारा 10 नए ई बसेस का अनावरण महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर बसेस को महंगे मोगरा के फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। गौरतलब है कि अब तक पूरी 86 बसेस कार्यरत थी, जिनमें से 50 नॉन एसी तो वहीं 35 एसी बसेस थी। इन 10 बसों के अनावरण से अब 46 एसी बसेस हो गई है, जिसका फायदा यात्रियों को होगा। नमस्कार, इनविजन न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, शहर की व्यस्त जिंदगी में रोजमर्रा की जनता का परिवहन साधन है आपली बस। तो दर्शकों, आज महानगर पालिका अंतर्गत 10 बसों का अनावरण, 10 वातानुकूलित बसों का अनावरण किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस नए प्लान का प्रायोजन यहाँ किया गया है। तो जैसे कि अभिनंदन सबसे पहले आपको कि इन 10 बसेस का पर्यावरण की दृष्टि से काफी बड़ा महत्व है, इन ई बसेस का अनावरण महानगर पालिका ने किया है, क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? अपने शहर में जितना बसेस है, अभी 400 के ऊपर बसेस, अपली बसेस चल रहे हैं। ये बसेस लोगों के जीवन में हर दिन काम पे होता है। आपको मालूम है अपने शहर का बसेस बहुत पुरानी हो गई है, कुछ बसेस को 10-12 साल भी हो चुका है। वो बसेस को निकाल के, ये सब डीजल बेस्ड बसेस है, ये बसेस को निकाल के इसको पूरा पर्यावरण दृष्टिकोण से अच्छे बसेस, इलेक्ट्रिक, अपने शहर के जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है इसके एसी बसेस लेके आने का हमारा सोच था। उसको सोच को हमने इसको एक रोड मैप बना दिया था। रोड मैप के आपका काम आप देख रहे हैं। एक्चुअली अभी तक हमने पिछला 7-8-10 महीना में ऑलमोस्ट 96 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस लेके आए। अभी आने वाले और 2-3 महीना में 140 बसेस आने वाले अपना फ्लीट में, और एक साल में पुराने बसेस जितना है वो सबको हमने इलेक्ट्रिक और एसी में कन्वर्ट करने का हम तैयारी रखा है। सर, जैसा कि हम जानते हैं चलो ऐप द्वारा इस बसेस का इंफॉर्मेशन दी जाती है, जाने आने की आदि, लेकिन कई बार देखा गया है कि इस ऐप में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में कठिनाइयों का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ प्रावधान? हाँ, इसके बारे जो अपने पास जो IBTM ऑपरेटर का भी एक नया RFP तैयार हुआ है, वो अभी फ्लोट भी हो चुका है, एक्चुअली प्रोसेस में है। जो हम IBTM का ऑपरेटर बोलते हैं इसको, जो सबको संचालित करने वाले बस को, उस पर पूरा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। इससे आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं, एकदम रियल टाइम डिटेल इन्फॉर्मेशन हर पैसेंजर को मिलेगा। ये पूरा पब्लिक डोमेन में रहेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा माहिती लोगों को मिलेगा और लोगों को इसका फ़ायदा उनका ट्रैवल में प्लान करने में, यूज़ करने में, इस बसेस का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेने में मदद होगा। दर्शकों, नागपुर महानगर पालिका अपग्रेड होते जा रही है, शहर अपग्रेड होते जा रहा है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नए बसेस का अनावरण हो चुका है। 10 नए बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, पर्यावरण की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आगे भविष्य में इसका क्या असर पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी पर और जनजीवन पर। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं मनीष टेमरे, NBCN न्यूज के लिए नागपुर। NBCN न्यूज के लिए अजीत कुहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।